दसवीं गणित के पेपर को लेकर सीबीएसई और झारखंड पुलिस के बयान में विरोधाभास नजर आया है। सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि दसवीं गणित का रीटेस्ट दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के अलावा कहीं नहीं होगा, जबकि झारखंड की चतरा पुलिस का दावा है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पर गणित का पेपर लीक हो गया था। तो 28/3/18 को जो सीबीएसई का मैथ्स पेपर आयोजित होना था उसका क्वेश्चन पेपर 27/3/18 की रात को ही चतरा के एक छात्र के पास व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो गया था, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत हम लोग नाम देने में सक्षम नहीं हैं। एक छात्र के पास ये उपलब्ध हो गया था। इस छात्र को ये बिहार के कुछ छात्रों के माध्यम से व्हाट्सएप पर उपलब्ध हुआ था, और ये जो हुआ था ये हस्तलिखित था, और ये क्वेश्चंस सेम क्रम में थे जिस क्रम में अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर मैथ्स के एग्जाम में आया। When examinations are concerned, the preliminary inquiries have revealed that the leak was restricted to Delhi and Haryana, and further details are being found out. Hence, a decision has been taken that if at all a re-examination has to happen, it will happen only in the state of Delhi and Haryana. A decision to this effect will be taken in next 15 days when more details become available. And if at all this examination has to be held consequent to these detailed inquiries, it shall be held in the month of July so that children, their own schedule, are not upset. झारखंड के चतरा पुलिस ने सीबीएसई पेपर लीक पर कई और दावे भी किए हैं। पुलिस के मुताबिक 28 मार्च को मैथ्स का पेपर था, लेकिन 27 मार्च की शाम को ही पेपर लीक हो गया था। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 9 बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर यह पेपर लीक हुआ था। तो परीक्षा से एक दिन पहले गणित का पेपर लीक हुआ था। सीबीएसई पेपर लीक पर झारखंड पुलिस का दावा यहां पर सामने है कि 28 मार्च को परीक्षा थी और 27 की शाम ही पेपर लीक हो गया।